If A, B, C are the three vertices of an equilateral triangle, whose side is equal to A, then prove this. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड चलना है. चलो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं. 1/2 एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल ट्राइंगल है ना, रूट 3/4 और साइड स्क्वायर. देयरफॉर दोनों को बराबर रखते हैं, रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ठीक है. अब मैंने इसके हिसाब से एडजस्ट करना है. यहाँ 3 ए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बाद में कर लेंगे, 3/4 चाहिए स्क्वायरिंग बाद में कर लेंगे, पहले से 4 को इधर ले आते हैं. रूट 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये 2 कैंसिल हो गए. इस 2 को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लें, रूट 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री टू. अब इसमें स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो भाई रूट 3 का स्क्वायर क्या जगह 3, ए का की पावर 4 और इस पूरे का क्या जगह डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री. प्रूफ हो गया. एप्लीकेशन है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, इक्वल ट्राइंगल बोलते के साथ ही ना समझ में आ जाना चाहिए था कि इक्वल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा, ये यूज होगा.